दोस्तों ये एक सर्वर रूम में, यहाँ पर देख सकते हैं ये सीलिंग रेशियो जो कि हमने डाला है, इसका बैंड भी हाथों से बनाया गया, एकदम सिंगल कट में बनाया गया क्योंकि यहाँ पर डबल कट में अच्छा नहीं लगता बोल के। ओके, फुल फिनिशिंग कपलर यहाँ पर रखा गया, स्क्रीन नहीं होगा बोल के। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग पूरा एक ही कंपनी का है, जिसके वजह से कि इनको एक वो पहले से ये लोगों को कटआउट रख दिया है सर्वर रूम के लिए। ये नीचे का सर्वर रूम है, इसके ऊपर सेम जगह में दूसरा सर्वर रूम है। ओके, सेवन फ्लोर के लिए है, ये सिक्स फ्लोर है। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया, आपको दिखाता हूँ थोड़ा, जो कि ऊपर केबल जाने के लिए, ये सभी डेटा केबल इधर आके रुका हुआ है जो कि टेबल से आ गया है। ये ऐसे जाके एक एक होल, जो टेबल पॉइंट में एक एक होल होता है इनका, वो ऊपर टेबल को जाने वाला है। मैंने और का हर टेबल पॉइंट में ये होल होता है जो कि ये दो फ्लोर को कनेक्ट करता है। ओके, ये नीचे तरफ से रेशियो आया, रेशियो से ये केबल आया ये टेबल को। ओके, दिखा रहा था ये जो जुगाड़ देख सकते हैं ये ऊपर को जाएगा बल्कि कुछ इस प्रकार से हमने बनाया, और ये स्क्रीन होने का बिल्कुल जीरो चांसेस है। ओके, और इसको कैसे बनाया हम थोड़ा दिखा लेते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते ये ट्रायंगल पीस दो लगाया, वो साइड भी दो लगाया, मतलब ये 100x100 लिया, ऐसे सेंटर से हमने क्रॉस कटिंग कर दिया, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल दो दो करके निकल गया। ओके, और 100mm का आप लोगों को पता है, 100mm को क्रॉस कटिंग किया जाएगा तो ऑफसाइड से, मैंने वीडियो से आप लोग को बार बार दिखा रहा था, सेम यही टेक्निक, यही सेम मेजरमेंट है। 100mm के लिए 144mm हमको चाहिए होता है। ओके, 140 से 144mm, वही 140 में आप इसको बेंड कर दीजिए। ओके, बेंड करने के बाद देख सकते हैं ये एक पीस है, ये एक पीस। ओके, ये एक पीस, और ऐसा हाइट हमने लिया है वो फ्लोर के हिसाब से 400mm का। ओके, 400mm लिया, बट यहाँ से मैंने यू शेप में जस्ट कटिंग कर दिया इसको, देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग करने के बाद ये प्लेट को मैं पीछे साइड से होल्डिंग कर दिया। फाइनल में ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, क्योंकि ये इसको देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, देख सकते हैं इसका लुक इस प्रकार से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये जुगाड़ कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम ट्रे ट्रंकिंग रेशियो से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।